अपने नाना जी को याद कर इमोशनल हुए ये पॉपुलर एक्टर। बताया उनसे ही मिलती थी उनकी कई आदतें। 99 इयर्स के होने वाले थे इस एक्टर के नाना जी। अपने टाइम में हुआ करते थे वो बड़े एक्टर। वेल, क्या कुछ शेयर किया इस एक्टर ने, आइए जानते हैं। पॉपुलर एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चंद्रशेखर का 16 जून 2021 को निधन हो गया। शराबी, कटी पतंग, बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए वो काफी पॉपुलर हुए और कहा जाता है कि उन्होंने 250 फिल्मों में अभिनय किया है। वहीं उनके पोते और जाने माने टीवी अभिनेता शक्ति अरोड़ा ने शेयर की अपनी फीलिंग्स। और अपने नाना जी की बातें बताते हुए शक्ति ने बताया कि उन्हें डांसिंग की एबिलिटी अपने नाना जी से ही मिली थी। मेरी आशिकी, तुमसे ही अभिनेता ने कल बीटी को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया। वहीं उन्होंने कहा, मैं चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहा था जब मुझे ये खबर मिली। मैं अब वापस मुंबई जा रहा हूँ। अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे होने वाला था, लेकिन अब उन्होंने इसे शाम 4 बजे तक के लिए टाल दिया है क्योंकि मुझे पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। शक्ति ने अपने नाना जी को एक महान डांसर बताया और बताया कि उन्होंने ये उनसे विरासत में पाया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके ग्रैंडफादर नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाएं, वहीं वो चाहते थे कि शक्ति MBA करें। वहीं उन्होंने अपने नाना जी के डिसिप्लिन लाइफ के बारे में भी बताया, जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, वो एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते थे और शायद ही कभी कार्ब्स खाते थे। वो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, लेकिन वो किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थे, बस बुढ़ापे के कारण उनका निधन हो गया। सच बताऊं तो हम उनका जन्मदिन मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो 7 जुलाई को 99 इयर्स के होने वाले थे। हम उम्मीद करते हैं कि शक्ति, आपकी फैमिली को इस मुश्किल समय से उभरने में शक्ति मिले।